नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। हम हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में जहां हम डिस्कस करते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम। हमारे एक स्टूडेंट थे, मिस्टर प्रेम, उन्होंने मुझे एक फाइल भेजी है और फाइल पे उन्होंने एक प्रॉब्लम जाहिर किया है। वो प्रॉब्लम जेन्युइन है। बेसिकली उनके सामने डेट है, तो डेट जो है बेसिकली डेट है ये आपका MMDDYY फॉर्मेट में नहीं DMY के फॉर्मेट में है। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 13/1/2020, तो 13 जो है उनके अकॉर्डिंग डेट है, उनके किसी और के सिस्टम जहाँ से डेटा आया है, लेकिन यहाँ पे मंथ बन गया क्योंकि ये जो सिस्टम है MM/DD/YY। लेकिन जिसने इस डेट को क्रिएट किया है, टाइप किया है, उसका सिस्टम का फॉर्मेट था DD/MMYY। इसका है कि ये तो ऊपर का डेट है, इसको आप कंट्रोल सिर्फ हैश कीजिए तो डेट बन जाता है, बट 1 अक्टूबर बन रहा है जबकि होना चाहिए 10 जनवरी। और यहाँ पे देखिए 13/1 है, बट कि होना चाहिए 1/13/1 है, तो ये 13 को डेट नहीं मंथ मान रहा है। और जैसे कि 13 कोई महीना नहीं होता है, इसलिए टेक्स्ट है। इसके ऊपर अगर कंट्रोल सी हैश अगर आप करते हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखेगा। अब इसके लिए जनरली हम लोग इसका यूज करते थे यहाँ पे क्या बोलते हैं डेटा मेनू बार में। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए 5 अगस्त है हमारा, बट होना चाहिए था आपका 8 मई। तो इसमें हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलन हम लोग करते थे, टेक्स्ट टू कॉलन, और इसमें हम लेते थे DMY एंड फिनिश करते थे, तो यहाँ पे चेंज हो जाता था। चेंज हो गया, मंथ और डेट आपस में स्विच हो गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने इस फीचर को भी अप्लाई किया, बट इस फीचर में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको DMY करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है। न होने के पीछे रीजन ये है कि इसके साथ टाइम भी लगा हुआ है, इस कारण से ये नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हमें फॉर्मूले की मदद से करना पड़ेगा। जी हाँ, फॉर्मूले की मदद से। तो कैसे करें, चलिए। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड का फॉर्मूला लगाते हैं। फाइंड में हम स्लैश को फाइंड करते हैं इसमें और 1। यहाँ पे 0 करना चाहिए, 0, 1 ही 1 से स्टार्ट है, ठीक है। बट ये हो गया। अच्छा, बेसिकली डेट था इस कारण से। इसमें देखेंगे तो इसमें है, इसमें हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो जो तीसरा, तो यहां पे मुझे एक फॉर्मूला लगाना होगा इफ एरर, और यहां पे करना होगा कि अगर एरर आए तो इसमें से डे को अलग कर ले। तो मुझे इसमें इसका डेट पता चल, डेट फॉर्मेट में है तो इसको 1 कर देता हूं। ये 1 क्यों आ गया? मंथ होगा, डेट नहीं, माफ कीजिएगा, यहां पे मंथ होगा, मंथ। इसी में से मतलब कि हमें 9 और आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे वर्क करते हैं, बट यहाँ पे मुझे क्या है कि स्लैश में 1 नहीं करना है। जी हाँ, इसमें 1 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि फिर वही नंबर दे देगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 की जगह पे वापस हमने फाइंड का फॉर्मूला दिया और इसमें +1 कर दिया, और इस मंथ की जगह पे हमने डे कर दिया। यहाँ पे हम आपके सामने डेट आ गया, जैसे कि आप देखिए, एक मिनट, ये जो डेट आया है ये 9/10। ओ नहीं, मुझे इसमें मंथ नहीं, इसमें फाइन हमने किया, लेकिन इसमें लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना होगा, लेफ्ट, और इसमें हम करेंगे कॉमा, लेफ्ट में कौन सा,
इसको, और हम बोलेंगे कि फाइंड की रिजल्ट में से माइनस वन। क्लोज करना होगा, एक मिनट में इसको देखता हूं कि ये कहां गलती है इसमें। में यहाँ लाइन आ रहा है, तो नीचे ड्रैग करता हूँ, इस पर वैल्यू आ रहा है, इस पर वैल्यू आ रहा है, ये जो ना एक मिनट तीन आ रहा है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लेफ्ट का कि लेफ्ट इसमें से तीन डिजिट अलग हो तो स्लैश आ रहा है, लेकिन थ्री माइनस वन करूंगा तो ठीक है। यहाँ पे जो फाइंड हमारा है, इस फाइंड में मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ, लेफ्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉमा, और हमने बोला फाइंड माइनस वन, और इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने, सही बात है। वो कुछ गलत था फॉर्मूले में, तो हमारा डेट अलग हो गया। क्या ऑर्डरेट हो गया, तो हमने इसका डेट अलग कर लिया, डेट अलग हो गया। उसके बाद अब इसी में मैंने मंथ, यहां पे देखिए मंथ अलग हुआ है, अब इसमें हमने इस फैरन में यहां लगाना है फॉर्मूला मिड का, कि मिड और मिड में हमने बोला है कि इसमें से मुझे स्टार्ट यहां से है और निकालना कितना डिजिट है, तो हमने बोला निकालना है दो डिजिट। यहां पे इसको बंद कर देते हैं, नीचे देखिए ये मेरा तो हाँ, यहाँ पे हमने मिट किया ए टू, और अब यहाँ पे मुझे ईयर निकालना है, ईयर तो 200 है ही, इसके बाद मुझे यहाँ से टाइम भी तो अलग करना है, तो यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं कॉमा, यहाँ पे मैं डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेट और लूंगा मैं ईयर, हमारा 2020 है, या ईयर भी इसी तरह से निकाला जा सकता है, और हमारा मंथ हो गया ए और हमारा डे हो गया ए। डेट हम इसको नीचे करते हैं, देखिए हमारा एग्जैक्टली डेट बन गया।
इसमें से टाइम अलग करना है, तो टाइम अलग करने के लिए फिर यहाँ स्पेस को माइंड फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें स्पेस फाइंड ना होगा उसमें टेक्स्ट का फंक्शन वो लगाना पड़ेगा, तो भी हो जाएगा। तो लेकिन इसमें सिर्फ डेट निकालना था, तो हमने डेट को अलग कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल कीजिए, या फिर आप मेरे साथ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं, या आपके पास किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिए, हम आप पे उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।